पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का दौरा किया। बीजेपी ने यमुना के खराब हालत के अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि थोड़े दिन बाद छठ का पावन त्यौहार आने वाला है और यमुना की ऐसी स्थिति केजरीवाल की पूर्वांचल विरोधी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार से दिल्ली में 1000 स्थायी छठ घाट बनाने की मांग की है और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मैली यमुना की तुलना आतंकवाद से की है। कहा है कि प्रदूषित यमुना पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान होना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष से हम बात कर लेते हैं। सर, क्या दर्शाना चाहते हैं इन तस्वीरों के जरिए, विजिट का कारण क्या? मैं दर्शाना नहीं चाहता हूं, मुझे दुख हो रहा है कि मैं यहां देख रहा हूं। यमुना माँ को गंदा नाला अरविंद केजरीवाल ने बना के छोड़ दिया है। यमुना जब हरियाणा से दिल्ली आती है साफ है, बख्तावरपुर पार करती है तो भी साफ है, लेकिन जैसे जैसे वजीराबाद से बाहर आती है तो यमुना गंदी होनी शुरू हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल, तुम 9 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, अब कर क्या रहे हो? और फिर बेशर्मी देखिए, ये SCL की मीटिंग हुई है 10 तारीख को, ये अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट है। वो खुद कह रहे हैं कि इसमें डिजोल ऑक्सीजन 0 है। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर कोई एक कीड़ा भी जिंदा नहीं रह सकता इस पानी में, और यही पानी यहाँ भैंस और गाय पी रही है। अब बताइए क्या होने वाला है? इस पानी में आप घुस नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति चला जाएगा तो उसे कोई ना कोई बीमारी, उसको चर्म रोग हो जाएगा। लेकिन इसी पानी में ये मजबूर करेंगे कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन या दिल्ली के लोग छठी मैया का जो त्यौहार मनाते हैं वो इसमें स्नान करें। तो ये आप दुनिया जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपने आज तक 1052 कॉलोनी में सीवर लाइन नहीं डाली, ये आप खुद कह रहे हैं। अगर वो सीवर लाइन डल जाती तो गंदा पानी इसमें नहीं आता। आप खुद कह रहे हैं कि 110 किलोमीटर हम सीवर लाइन साफ ही नहीं कर पाए 9 साल में। शर्म आनी चाहिए आपको। आप दिल्ली में कर क्या रहे हैं? चुनौती क्या है? एक समस्या है, शीला सरकार के वक्त से बनी हुई है। चुनौती कुछ नहीं है, काम करने की नीयत नहीं है। माननीय उपराज्यपाल साहब ने कहा मैं साफ करूंगा, उन्होंने नजफगढ़ ड्रेन साफ करके दिखाई, उन्होंने साहिबी नदी पे काम किया, उन्होंने वजीराबाद से साफ करना शुरू किया और यमुना का साफ रंग सोनिया घाट तक दिखने लगा। लेकिन इनको ये तकलीफ हो गई कि LG साफ कर रहे हैं तो केंद्र सरकार इसका क्रेडिट ना ले ले। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो यमुना साफ कर रहा है, उस आदमी के खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं कि जी उनको काम मत करने दो। तो ऐसे दिल्ली कैसे बचेगी? आप तो यमुना माँ की हत्या कर रहे हैं। पूरी आशंका है कि छठ जो श्रद्धालु हैं वो इसी तरह से प्रदूषित यमुना के अंदर डुबकी लगाए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पानी में तो कम से कम छठ मैया का काम आप आस्था नहीं हो सकती। वजीराबाद या उससे पहले झाड़ू छाने करें, नहीं तो दिल्ली सरकार अगर थोड़ी सी भी संवेदनशील है, 1000 घाट स्थायी रूप से बनाए, साफ पानी के टैंकर मंगाए और वैसी व्यवस्था करे कि लोग कम से कम इस गंदे नाले में स्नान ना। सर, ये दिया जाता है कि पानीपत की इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट है जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई। ये जो रिपोर्ट बता रही है, पल्ला में जब पानी आता है, बख्तावरपुर पहुंचता है, यमुना का पानी साफ है, ये इन्हीं की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार की खुद की रिपोर्ट है। तो ये जो तर्क दिए जाते हैं कि पानीपत का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यमुना के अंदर ज्यों का त्यों बहा दिया जाता है। मेरे पीछे की ये तस्वीरें किसी यूरोप की स्नोलैंड की नहीं है बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति को बयां करती हुई तस्वीरें हैं। तस्वीरें हैं कालिंदी कुंज यमुना घाट की, और ये जो टॉक्सिक फॉर्म आप देख रहे हैं वो फॉस्फेट डिटर्जेंट और एमोनिकल नाइट्रोजन के मिश्रण के कारण यहाँ पर बन चुकी है। आवारा पशु यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो इसी तरह के प्रदूषित पानी को ग्रहण कर रहे हैं, भैंसे हैं, गाय हैं, और यहाँ पर चारों ओर यमुना घाट के ऊपर गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। फीकल कोलोफॉर्म ये एक ऐसा रसायन है जो ये मापता है कि किसी नदी के अंदर जीवन कितना बचा हुआ है, और किसी भी नदी के अंदर करीबन 2500 MPN प्रति 100 मिलीलीटर पानी ये होना चाहिए। फीकल कोलोफॉर्म इस वक्त दिल्ली के अंदर यमुना नदी के अंदर कितना है, सरकारी आंकड़े जो बताते हैं वो करीबन 2.5 लाख है। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, जिसकी मात्रा करीबन 2500 होनी चाहिए थी, अगर उसकी मात्रा 2.5 लाख हो जाए तो इसी तरह की स्थिति बनती है। ना सिर्फ सामान्य व्यक्ति, मानव शरीर, बल्कि किसी भी तरह का जानवर या फिर मछलियां भी कहें या छोटे जीव जंतु भी कहें, इस पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं। आज से करीबन 1 महीने के बाद दिल्ली के अंदर और पूरे विश्व भर के अंदर छठ पर्व मनाया जाएगा, और हर साल की तरह इस बार भी जो छठ पर्व के श्रद्धालु हैं, पूर्वांचली भाई बहन हैं, वो इसी तरह की टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, प्रदूषित यमुना के अंदर डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। जिम्मेदार कौन है?
2017 से लेकर 2021 तक जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 6,800 करोड़ रुपयों से ज्यादा का खर्च यमुना के प्रदूषण को साफ करने के लिए हो चुका है। वो पैसा आखिरकार जाता कहाँ है? करीबन दिल्ली के अंदर 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लेकिन 1,000 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी भी हैं जिनका सीवेज का पानी ज्यों का त्यों यमुना के अंदर इस तरह बहा दिया जाता है, जिसके कारण यमुना इस तरह से प्रदूषित हो जाती है। लिहाजा राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक लापरवाही का एक नायाब उदाहरण है दिल्ली की इस तरह की प्रदूषण की स्थिति। यमुना नदी को एक तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि जो प्रदूषण फैल रहा है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है, और इस आतंकवाद का जो शिकार है वो आम जनता होती है। विजिलेंस नवीन के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।